2004 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे, वर्तमान में सिक्किम में थे तैनात शहीद चरण सिंह। पंचतत्व में विलीन हुए चरण सिंह, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। ललितपुर शहीद चरण सिंह का पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुआ। भारत माता की जयकारों से गूंजा पूरा गांव, मौके पर रहा पूरा प्रशासन। जुड़वा बच्चों का जन्मदिन मनाने से पूर्व ही सेना के जवान की हुई शहादत। सिक्किम में हुए हादसे में सोजना निवासी जवान की शहादत पर परिवार के साथ जनपद वासियों की आंखें हुई नम। शहीद की पत्नी ने किया गर्व एवं बताई अपने पारिवारिक समस्या। अधिकारियों के साथ तमाम संगठनों व राजनेताओं ने घर पहुंचकर परिवार को बंधाया ढांढस। वर्ष 2004 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे, वर्तमान में सिक्किम में थे तैनात। जी सर, क्या कहना चाहती हैं आप जो आज शहीद हुए हमारी? मैं अपने पूर्व सैनिकों के साथ पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जिला अध्यक्ष राम किशोर सिंह तोमर, हमारे जो ये चरण सिंह जी सिक्किम में शहीद हो गए, उनकी अंतिम यात्रा में पुष्पांजलि करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने 26 मैकेनाइज में 18 साल तक सेवा की, अंततः सिक्किम में शहीद हो गए भारत माता की सेवा करते हुए। और आज उनकी अंतिम विदाई थी, पूरा गांव शोकाकुल है। आज ये ललितपुर जिले की मेहरौनी तहसील का एक सौभाग्य जो ऐसे लाल ने सोजना ग्राम में जन्म दिया, जिनका नाम चरण सिंह है, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिए। हम ये चाहते हैं कि वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम से 50 लाख का चेक भेज दिया है, 15 लाख रुपए उनके पिताजी के लिए भेज दिए हैं, परिवार को साथ में एक सदस्य को नौकरी देने के लिए आश्वासन दिया है, साथ में एक रोड इनके नाम से बनाया जाएगा जिसका भी आश्वासन मिला है। हम चाहते हैं कि इनके परिवार की इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार देखभाल करे कि चरण सिंह जी की कमी इन लोगों को महसूस न हो। हम पूर्व सैनिक संघ पूरा उनके परिवार के साथ में हमेशा हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे ये छोटे भाई थे, आज हमें छोड़कर चले गए। हमें पूरे पूर्व सैनिकों को आज महान दुख है, और साथ में अपने आप में ये भी है एक कि हमारा एक भाई भारत माता की सेवा के लिए गया है, इसके लिए हमें गर्व भी है। और इसी के साथ मैं अपने सब जितने भी यहाँ ग्रामवासी हैं, सब लोग यहाँ एकत्रित रहे, मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पूर्व से हमारे जो चरण सिंह जी रहे हैं उनको हमेशा याद रखें। जय हिंद, जय भारत। एक और मैं आप ग्रामवासियों से और ये महरौनी क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ, मंत्री जी के पीछे लगिए और इसको एक ऐसा स्थान बनाइए कि इससे हर लड़का प्रेरित होकर और देश सेवा के लिए तैयार हो, क्योंकि यही सबसे बड़ी शहादत है जिसके लिए हम लोग जिंदा होते हैं और देश सेवा करते हैं। इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं। आज देखिए, सभी राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार सब झुक गया इसके लिए, यही सम्मान है, इसी के लिए जीता है। तो आप लोगों का है, आपके मंत्री जी हैं यहाँ पर, उनके साथ रहिए। पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार देने में, बस आप लोगों का चाहिए कि साहब हमें यहाँ ये चाहिए, वो बनाएंगे और हमें मंत्री जी पे भरोसा है, वो जरूर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।